नमस्कार दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम रोज रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ कॉमन सेंटेंस देखते हैं जो कि इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज का हमारा पहला वाक्य है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। इंग्लिश में कहेंगे इसे आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड। निश्चिंत रहो, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। मैं आपके साथ हूँ, इसे कहेंगे आई एम विद यू, आई एम विद यू। मुझे उनसे मिलना है, इसे कहेंगे आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू मीट हिम। क्या आपने उसे देखा, इसे कहेंगे डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम। मेरी राय में, इसे इंग्लिश में कहेंगे इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। खाली हाथ ना जाएं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। मेरे पीछे आओ, इसे कहेंगे फॉलो मी, फॉलो मी। जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे जवाब चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई नीड एन आंसर, आई नीड एन आंसर। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, इसे कहेंगे आर यू फीलिंग वेल, आर यू फीलिंग वेल। जो बोलना है बोलो, इसे कहेंगे से व्हाट एवर यू वांट टू से, से व्हाट एवर वांट टू से। उससे मत उलझो, इसे कहेंगे डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। खुद पर ध्यान दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पे अटेंशन टू योर सेल्फ, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। मुझे घबराहट हो रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग नर्वस। संपर्क में रहना, इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप इन टच, कीप इन टच। कोई बात नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड। उसे विदा करो, इसे कहेंगे सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। मुझ पर भरोसा करो, इसे कहेंगे ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मुझे वापस कॉल करना, इसे कहेंगे कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा, इसे कहेंगे आई काट यू रेड हैंडेड, आई काट यू रेड हैंडेड। आप इससे बच नहीं सकते, इसे कहेंगे यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, इसे कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे नाराज मत करो, इसे कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे देर हो रही है, इसे कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मुझे समझो, इसे कहेंगे अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी। बात को बढ़ाओ नहीं, इसे कहेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच द मैटर। मुझ पर एहसान मत करो, इसे कहेंगे डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। आपने क्या कहा, इसे कहेंगे व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। आराम से, इसे कहेंगे टेक इट इजी, टेक इट इजी। चिल्लाओ मत, इसे कहेंगे डोंट साउट, डोंट साउट। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, इसे कहेंगे पर्सनली आई थिंक, पर्सनली आई थिंक। मैं ये बताना चाहूंगा, इसे कहेंगे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। कार रोको, इसे कहेंगे स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार में बैठ जाओ, इसे कहेंगे गेट इन द कार, गेट इन द कार। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसे कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे, ही इज ऑन द वे। शांत रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। वह बहुत तेज दौड़ता है, इसे कहेंगे ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। मुंह धो लो,
वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। जूतों को पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज, पॉलिश द शूज। तो दोस्तों ये थे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ कॉमन सेंटेंसेज, जिसे इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी था। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।